बैड एक्सपीरियंस हमें वो मिल जाता है जो हमें वो बैड एक्सपीरियंस गुड एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करता है, जो वो बैड एक्सपीरियंस हमें गुड एक्सपीरियंस की तरफ लेता है, यानी अच्छा हुआ तो अच्छा है और खराब भी हुआ तो भी अच्छा इस बात का है, कम से कम फ्यूचर में खराब नहीं होगा या फ्यूचर में खराब को अच्छे में कैसे बदलेगा ये हमें जरूर इंस्पिरेशन करेगा। यहीं पर अब इकोनॉमी करेंट करेंगे, गुड और बैड नहीं होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट और नॉलेज इतना ही होगा, जब पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट जितना होगा तो हम डिसीजन उतने अच्छे से लेंगे, डिसीजन हम जितने अच्छे से लेंगे फिर काम भी उतने अच्छे से करेंगे, जब काम जितने अच्छे से करेंगे तो फिर हमारा हमारे काम का मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, और काम का जब डिमांड बढ़ेगा तो फिर भाई इकोनॉमी सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन एक पीछे बढ़ेगा, कंजम्पशन एक पीछे बढ़ेगा तो डे पीछे बढ़ेगा, डे पीछे बढ़ेगा